हे वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बोया अल्ट्रा कॉम्पैक्ट 2.4 वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम। ये iOS डिवाइस के लिए है, तो फटाफट से हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और इसका रिव्यू करते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसा है, ये आपका रिसीवर हो गया, ये आपके दो माइक्रोफोन्स हो गए, और ये नीचे इसमें केबल आ जाती है सी टाइप। इसके अंदर केबल्स हैं चार्ज करने के लिए। एडेप्टर आपको नहीं मिलेगा, एडेप्टर कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप इससे अपने माइक्रोफोन्स और रिसीवर को चार्ज कर सकते हैं। दो मिलते हैं आपको माइक्रोफोन एंड रिसीवर के लिए, बट आप एक ही भी यूज़ कर सकते हैं। और ये इसके अंदर आपको वारंटी कार्ड मिल जाता है, और ये एक मैनुअल बुक है, इसमें आप रीड करके देख सकते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है अनपेयर्ड का ब्लिंक ब्लू एंड रेड एंड पेयर्ड सक्सेसफुली स्टैटिक ब्लू, म्यूट ब्लिंकिंग ब्लू, नॉइस रिडक्शन ऑन स्टैटिक ग्रीन। तो इसमें आपको एक नॉइस रिडक्शन का बटन मिल जाता है, वो यहाँ पर रहेगा साइड में, आपको ब्लू कलर का दिख रहा है NR नॉइस डिटेक्शन। तो पहले मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ओके, तो अभी देखिए ये अनपेयर्ड है, ब्लिंक ब्लू एंड रेड, तो अनपेयर्ड का दिखा रहा है। और इसमें एक अच्छी बात यह है, ये आपका ऑटोमेटिक पेयर्ड हो जाएगा आपके डिवाइस से, आपको सिर्फ इसको कनेक्ट करना है अपने फ़ोन से। आप इसको अपने फ़ोन में कनेक्ट करेंगे और सिर्फ आपने अपने जो माइक्रोफोन्स हैं इसका पावर बटन यहाँ पर है, इसको आपने ऑन करना है इस तरह से, और उसके बाद ये अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे। बाकी डिटेल्स इसमें दी हैं, आप देख सकते हैं। फुली चार्ज का रेड लाइट ऑफ एंड चार्जिंग का स्टैटिक रेड रहेगा, लो बैटरी का ब्लिंकिंग रेड, अगर ब्लिंक करेगा रेड कलर में तो आपका लो बैटरी है। तो इस तरह से आप इसमें चेक कर सकते हैं। ये देखिए अभी लाइट ब्लिंक कर रही हैं, पीछे आपको क्लिप मिल जाती है, ये मूव हो जाती है इस तरह से, ठीक है। चार्जिंग के लिए आप इसको चार्ज कर सकते हैं आसानी से, कुछ इस तरह का इसका बॉक्स है, और इसके अंदर भी कुछ भी नहीं है। अभी तक जो मेरी वॉइस आ रही थी वो विदाउट माइक आ रही थी, तो अभी मैं रिसीवर कनेक्ट करता हूँ, और आप देखना माइक कनेक्ट होने बाद आपको वॉइस में चेंजेस लगते हैं या नहीं लगते हैं, आपको माइक से कैसी आवाज़ लगती है आप चेक कर लेना। तो चलिए मैं रिसीवर कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए जैसे मैंने रिसीवर कनेक्ट किया, ब्लू लाइट हो गई है, ब्लू लाइट मतलब ये पेयर हो चुका है, दोनों माइक्रोफोन्स में ब्लू लाइट दिख रही होगी, तो अभी ये पेयर्ड सक्सेसफुली। और नॉइस रिडक्शन ऑन करना है तो नॉइस रिडक्शन ऑन कर लेता हूँ, ये देखिए ग्रीन लाइट हो जाएगी। ये सारे डिटेल्स इसमें दी हैं, आप देख सकते हैं। अभी मैं नॉइस रिडक्शन ऑफ करता हूँ, और अब मुझे आप बताना आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है, कैसी आपको आवाज़ लग रही है। अभी मैंने नॉइस रिडक्शन ऑन नहीं किया हुआ है, अब मैं नॉइस रिडक्शन ऑन करने वाला हूँ। तो नॉइस रिडक्शन ऑन हो गया है, अब आप मुझे बताना आवाज़ आपको वॉइस क्लियर लग रही है, ऑडियो कैसी लग रही है आपको। इसका प्राइस है 3990, ऑलमोस्ट 4000 के आपको आएंगे, 50 मीटर तक के आपका काम करेगा, और इसकी बैटरी अराउंड 9 आवर्स चलेगी। हाई परफॉर्मेंस नॉइस रिडक्शन इसमें है, ऑटो पेयरिंग है, 360 रोटेशन बैक क्लिप इसमें आपको मिल जाती है, माइक्रोफोन म्यूट कंट्रोल है। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये माइक्स कैसा काम करते हैं, तो उस ब्लॉग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, मैंने नॉइस रिडक्शन ऑन किया है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, बहुत शोर शराबा वाली जगह या फिर मार्केट में नॉइस रिडक्शन ऑन किया है ऑफ़ किया है, तो वहाँ पर जाके आप कम्प्लीट चेक कर सकते हैं ये माइक आपको लेना चाहिए कि नहीं। तो एक छोटा सा रिव्यू था बोया का अल्ट्रा कॉम्पैक्ट
माइक का। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।